हेलो गाइज, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मास्किंग इफेक्ट के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप इसको अपनी वीडियोस पे अप्लाई कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ काइन मास्टर एप्लीकेशन का ऐप यूज करके। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये वीडियो एक छोटे से इंट्रो के बाद में। तो सबसे पहले आपको ओपन करना है काइन मास्टर का एप्लीकेशन, फिर उसके बाद प्लस के आइकन पे आप क्लिक करेंगे और अपनी उस वीडियो को इंपोर्ट करना है जिस पर आपको मास्किंग इफेक्ट अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने अपनी वीडियो इंपोर्ट कर ली है जो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखी होगी। इस वीडियो में मैं ये शो करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अभी मैं बुक फिलहाल रीड कर रहा हूँ, फिर उसके बाद बुक को क्लोज करूँगा और उस बुक को स्लाइड करूँगा। तो जब मैं स्लाइड करूँगा तो उसी दौरान में मुझे मास्किंग इफेक्ट यहाँ पे दिखाना है। तो आपको क्लिप के स्टार्टिंग में जाना है और लेयर की बटन पे क्लिक करके टेक्स्ट ऐड करना है, जो भी आप टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे बुक है तो यहाँ पे बुक ऐड कर रहा हूँ, आप मन मुताबिक अपने कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट को रिसाइज करके उसमें हम शैडोज ऐड करेंगे। आप राइट साइड में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखेंगे, उसको आप स्क्रोल डाउन करेंगे तो आपको एक शैडो का ऑप्शन दिखता है, उस पर क्लिक करके हमें शैडोज ऐड करना है ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो नॉर्मल ना लगे, उसमें थोड़ा बहुत 3D इफेक्ट आ जाए। उसके बाद टेक्स्ट का जो फॉर्मेट है उसे हमें एकदम क्लिप के एंड तक ले जाना है, उसे रिसाइज करके और उसे एकदम एंड तक स्ट्रेच कर देना है। अब इसके बाद एक बार लेयर पे और क्लिक करिए, फिर हैंडराइटिंग पे आपको क्लिक करना है और हैंडराइटिंग में जहाँ पे ब्रश स्ट्रोक्स होते हैं उसको आपको स्क्वायर पे सिलेक्ट कर लेना है और जो राइट साइड में कलर है उसे ग्रीन पे कर लेना है ताकि हम ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट कर पाएँ। अब कुछ इस तरह से आपको अपने टेक्स्ट को कवर कर देना है जो आपने ब्रश स्ट्रोक अभी सिलेक्ट किया, जैसे मैंने आप बुक लिखा था उसे मैं पूरा कुछ इस तरह से कवर कर दूंगा। अब उसके बाद जो आपका हैंडराइटिंग वाला पेज है उसको आपको एकदम एंड तक स्ट्रेच कर देना है कुछ इस तरह, जिस तरह से आपने बुक को स्ट्रेच किया था, आपने टेक्स्ट को स्ट्रेच किया था। उसके बाद आपको उस ग्रीन टेक्स्ट की यानी हैंडराइटिंग की ओपेसिटी को कम कर देना है। तो अब मैं यहाँ पे अपनी टाइमलाइन को है थोड़ा जूम करूँगा ताकि मैं उस फ्रेम में पहुँच जाऊँ जहाँ पे मुझे मास्किंग इफेक्ट अप्लाई करना है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जब मैं अपनी बुक को पीछे स्लाइड करूँगा तब वहाँ पे मैं मास्किंग इफेक्ट अप्लाई करना चाहता हूँ। तो देखिए, हमको ये काम बड़ा ही प्रिसाइसली करना है, बड़ा ही स्लोली करना है। तो अब देखिए, मैं उस फ्रेम में पहुँच चुका हूँ। अब आइडिया ये है कि जैसे मैं बुक को पीछे स्लाइड करूँगा उसी के साथ साथ मुझे जो ग्रीन स्क्रीन है उसे भी पीछे करते जाना है। तो उसे हम करेंगे कैसे? अब आपको जो अपने ग्रीन स्क्रीन है उसको हैंडराइटिंग पे आपको बस क्लिक करना है और लेफ्ट हैंड साइड में आपको की एनिमेशन का टूल मिलता है, उस पर आप क्लिक करेंगे और उसको जैसे आप बुक देखिए पीछे मूव करते जा रहे हैं उसी तरह से आपको ग्रीन स्क्रीन को भी बुक के साथ पीछे मूव करते जाना है। अब एक बात आपको और ध्यान में रखनी है कि आपका जो टेक्स्ट और ग्रीन स्क्रीन रहेगा उसको आपको सेंटर पे ही रखना है। अब देखिए होगा क्या, जैसे गलती से जैसे मैंने जो ग्रीन स्क्रीन है उसको अगर मैं ऊपर नीचे कर देता हूँ तो मुझे एक बीच में एक लाइन दिखेगी रेड कलर की, वो मुझे गाइड करेगी कि मैं अपना जो मेरा टेक्स्ट है वो सेंटर में ही और मैं ग्रीन स्क्रीन को भी कुछ इसी फ्लो में सेंटर पे रख पाऊंगा। तो एक बात आप यहाँ पे नोटिस करिए कि जितना स्लो और प्रिसाइसली मैं अपने ग्रीन स्क्रीन को मूव करूँगा अपनी बुक के साथ तो एंड में उतने ही ज़्यादा अच्छे मुझे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो आपको ये प्रोसेस पूरा एंड तक करना है, यानी अपनी ग्रीन स्क्रीन को बुक के साथ पूरी एंड तक मूव करना है जब तक आपका ये टेक्स्ट खत्म ना हो जाए। तो आप यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड में देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने यहाँ पे एनिमेशन अपनी ग्रीन स्क्रीन पे डाली है पूरी एंड तक। तो जैसे ही आपका ग्रीन स्क्रीन टेक्स्ट के एंड पर पहुंचेगा, यानी टेक्स्ट रिवील आपका ख़त्म होने वाला होगा, तो आपको एंड में क्या करना है, आपको जो ग्रीन स्क्रीन बचेगा उसको एनिमेट करके पूरे स्क्रीन के बाहर कर देना है कुछ इस तरह से। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा प्ले होते हुए दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे मैं बुक को पीछे स्लाइड करूंगा उसके साथ ही साथ हमारा ग्रीन स्क्रीन भी मूव होगा। अब इसके बाद आपकी जो हैंडराइटिंग है, ग्रीन हैंडराइटिंग है, उसकी आपको ओपेसिटी को वापस 100 पे ले जा करके रख देना है। इसके बाद आपकी जो मेन वीडियो है उसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद मीडिया पे जाइए और आप एक बैकग्राउंड ऐड करना है आपको। बैकग्राउंड का आपको कलर चेंज करके पूरी तरह से ग्रीन कर देना है ताकि हम अच्छे से ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट अप्लाई कर पाएं अपनी वीडियो पे। उसके बाद जो बैकग्राउंड को पूरी तरह से स्ट्रेच करके बढ़ा लेना है जहां तक आपका टेक्स्ट है और जितना हिस्सा बचा है उसको आपको ट्रिम कर देना है। अब चलिए मैं आपको एक बार ग्रीन स्क्रीन के साथ इसको प्ले करके दिखाता हूँ कि किस तरह से ग्रीन स्क्रीन के साथ आपको प्ले होते हुए नज़र आएगा।
अब इसके बाद आपकी जो वीडियो है जो आपने अभी बनाई है उसको आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपका 50% काम पूरा हो चुका है। अब वापस बैक पे जाइए और नया एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करिए। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपको उसी वीडियो को इम्पोर्ट करना है जिस पे आपने अभी ग्रीन स्क्रीन अप्लाई किया। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये इस वीडियो को इम्पोर्ट कर लिया है। तो चलो एक बार मैं इस वीडियो क्लिप को आपको वापस प्ले करके दिखा देता हूँ कि ये नॉर्मल क्लिप है। अब इसके बाद आपको वीडियो क्लिप के स्टार्टिंग पर जाना है। स्टार्टिंग पर जाने के बाद आपको लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और एक बार मीडिया पे क्लिक करिए। फिर आपने जो एक्सपोर्ट अभी किया है ग्रीन स्क्रीन उसको यहाँ पे आप इंपोर्ट कर लीजिए। इंपोर्ट करने के बाद आपको राइट हैंड साइड में देखिए आपको स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको फुल स्क्रीन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ग्रीन स्क्रीन आपकी पूरी वीडियो को कवर कर लेगी। फिर ग्रीन स्क्रीन को एक बार क्लिक करिए और क्रोमा की के ऑप्शन पे जाइए और उसे इनेबल कर लीजिए। तो अब चलिए मैं आपको वापस प्ले करके दिखा दे रहा हूँ कि अब मास्किंग इफेक्ट आपका कैसा दिखेगा। तो अब हमारी वीडियो पूरी तरह से 100% तैयार है। तो चलिए एक बार मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो इस ट्यूटोरियल को फॉलो करके आप किसी भी वीडियो पे मास्किंग इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बचा क्या है, इस वीडियो को गैलरी में एक्सपोर्ट करना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। आप चैनल पे नए हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।